अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास में छत्तीसगढ़ में मुद्दे नहीं बचे हैं। सीधे तौर पे हमारी सरकार से मुकाबला नहीं कर पा रही है, तो बीच बीच में वो ईडी आईटी की कार्रवाई करके मीडिया फुटेज हासिल करने के लिए इस प्रकार की रणनीति उनके द्वारा बनाई गई है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को बेहतर ढंग से समझ रही है कि भूपेश बघेल की लोकप्रियता उनको परेशान करने के लिए केंद्र सरकार ईडी आईटी को आगे कर रही है। दरअसल अब ईडी और आईटी भारतीय जनता पार्टी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे भाजुमो होता है, महिला मोर्चा होता है, वैसे अब इनका ईडी मोर्चा और आईटी मोर्चा बन चुका है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब अमित शाह छत्तीसगढ़ आते हैं, उसी के दो तीन दिन पहले ईडी आईटी की कार्रवाई होती है। ये क्रोनोलॉजी है या संयोग है या दुर्योग है, इसको भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए। जब वो कोरबा में आए थे तब भी आईटी की और ईडी की कार्रवाई हुई थी। जब वो बस्तर में आए थे तो भी यही स्थिति बनी थी। रायपुर के दौरे के पहले भी स्थिति बनी है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे कोई बड़ा नेता आता है तो भाजुमो या युवा कांग्रेस के लोग उसमें आगे आगे सक्रिय आके बैनर पोस्टर लगाते हैं, वैसे ही जब यहाँ पे अमित शाह आते हैं तो ईडी उसमें बैनर पोस्टर लगाने का काम करती है। निश्चित तौर पे रिश्ता क्या कहलाता है ये छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहिए।